हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत सारी इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं, और हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हमारे टूर में लगी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं, हमारे गार्डन में लगी हुई है ये अमरूद गावा, और हमारे पास ये बहुत सारे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये वाला, ये देख सकते हैं हमारे पास ये भी गावा लगा हुआ है, और मैं आप लोगों को बहुत सारे और भी ऐसे गावा के पौधे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर गावा हमारे पास लगा हुआ है, और इसमें अभी फल भी आया हुआ है, और अभी देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी इसमें बहुत सारा फल आएगा। थोड़े दिनों में इस पर गावा लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोगों को दिखा दूंगा इसके बाद। देख सकते हैं आप लोग हमारे पास माशाल्लाह से, देख सकते हैं इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे पास गावा लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे पास ये गावा के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी हमारे गार्डन में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। हमारे पास ये बहुत सारे खेत है हमारा, यहाँ पर इसमें घास भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास नारंगी का पौधा, देख सकते हैं हमारे पास ये नारंगी का पौधा है। इस पर नारंगियाँ लगी हुई भी थी, और यहाँ से मुझे लगता है तोड़ ली किसने। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास एक और नारंगी का पौधा लगा हुआ है, और मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे नारंगी के और नींबू के पौधे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से हमारे पास ये नारंगी का पौधा है, और इस पर अभी नारंगी लगी हुई भी है, और अभी ये छोटी छोटी है, इस वजह से आप बोलेंगे तो नींबू है, लेकिन ये नींबू नहीं है, ये है हमारे पास नारंगी है, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, देख सकते हैं आप। ये हमारे पास है शील्डस लीमू, यह आप देख सकते हैं, यह है शील्डस लीमू, जो कि हमारे पास ये देख सकते हैं आप, इसका पौधा बहुत हाइट में है, देख सकते हैं आप। ये इसकी भी माशाल्लाह से हमें बहुत ही इसकी बहुत मेहनत से ये पौधा तैयार होता है, और फल पर बहुत ही मुश्किलों से आता है ये, देख सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग हमारे पास ये नारंगी से भरा हुआ पेड़ हमारे गार्डन में है, और ये देख सकते हैं आप लोग हमारे पास ये इसमें छोटी छोटी भी लगी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक और ये भी लगी हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, और मैं आप लोगों को अभी और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलते हैं, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ दिखा देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अभी टमाटो का पौधा। हमारे पास यहां पर है टमाटो के पौधे, हमारे पास बहुत सारे लगे हुए हैं, और जिन पर टमाटर अभी भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास टमाटो लगे हुए हैं, और बहुत सारी तादाद में हमारे पास यहाँ पर टमाटो के पौधे लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को इस पर टमाटर लगे हुए भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इस पर टमाटर लगे हुए हैं, और मैं आप लोगों को इसी तरह के और भी बहुत सारे टमाटर के पेड़ दिखाते रहूँगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर और भी हमारे पास टमाटर लगे हुए हैं। ये टमाटर बहुत ही दिनों में हुए हैं, जब हमने लगाए थे तो शुरू शुरू में ये इतने से पौधे से छोटे छोटे से, अभी आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास ये एक और पौधा है जिस पर अभी टमाटर लगा हुआ भी है, और दो अभी तो भाई बिल्कुल छोटे छोटे भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी और भी इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा। आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर और भी हमारे पास टमाटर लगे हुए हैं, और मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारे गार्डन में मेरे पास और क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारे पास ये लगा हुआ है धनिया, हरा धनिया, जो हर सब्ज़ी में हमारे पास काम आता है, और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है, और ये हर सब्ज़ी में काम आता है। इसका नाम है हरा धनिया। आप जिस सब्ज़ी में ये ना हो तो वो समझो सब्ज़ी अधूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ये धनिया भी लगाया हुआ है, और आप सब लोग देख सकते हैं वहाँ पर टमाटर भी लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी एक और चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे पास ये केले का पौधा है, और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें से भी
केले आने स्टार्ट हुए हैं। जब ये केले आ जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा झूमर देखने को मिलेगा इसका केले का। तो दोस्तों अभी ये आया नहीं है, अभी इसका देख सकते हैं आप लोग, ये अभी अंदर से निकल रहा है जो कि अभी थोड़े दिनों में ही बड़ा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये छोटा पौधा होता है इस तरह का, इस तरह के छोटे छोटे पौधे होते हैं ये, इसको फिर ऐसे बड़ा किया जाता है जब जाके ये फल देना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये फल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग, ये भी खुलेगा जब भी इसमें से भी केले निकलेंगे, और बहुत सारी यहाँ पर और भी चीज़ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ ग्रेपफ्रूट। हमारे पास लगा हुआ है ग्रेपफ्रूट और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमारे पास माशाल्लाह से लगे हुए देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही खूबसूरत ग्रेपफ्रूट लग रहे हैं मुझे। और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे दो भी आए हुए हैं, और आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पेड़ माशाल्लाह से इसमें बहुत सारे ग्रेपफ्रूट भी आए हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये ग्रेपफ्रूट भी आए हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक बड़ा सारा ग्रेपफ्रूट भी है जिसे हमने थैली में बांध कर रखा है ताकि ये अंदर नहर में ना गिर जाए। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं हमारा पूरा पेड़ हरा भरा हुआ बड़ा है। पहले हमने इसको देख सकते हैं आप लोग, पहले इसको हमने कटिंग किया है, यहाँ से ऊपर से कटिंग करना पड़ता है जब जाकर इस पर फल आने स्टार्ट होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी माशाल्लाह से भरी पड़ी है ये पूरी। और मैं आप लोगों को अभी एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, यह है हमारे पास थाईलैंड बेरी। थाईलैंड बेरी हमारे पास से देख सकते हैं आप लोग, इस पर यह बेर भी लगा हुआ है अभी, और इसकी कलम काट कर जब ऐसे लगाई जाती है, देख सकते हैं आप लोग कलम काट कर इस पर लगाई जाती है, फिर यहाँ से यह बड़ी हो जाती है और यहाँ से फुटारा निकाल लेती है। देख सकते हैं आप लोग अभी ये इसने फल भी दे दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग भी है ये, और इसका बेर बहुत ही मीठा होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और भी इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं हमारे पास ये है पपीता। देख सकते हैं आप लोग पपाया का पेड़ हमारे पास है,